प्यारे दोस्तों हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें परवाई के असरार मखलूक जमीन पर उतर रही है और उसकी शक्ल घोड़े से मुशाबहत रखती है सवाल यह है कि क्या ऐसी मखलूक जमीन पर वाकई पाई जाती है और घोड़ों से मुतालिक इस्लाम में क्या रिवायत मिलती है इस हवाले से इस इस्लामी नुक़े नजर जानते हैं शहरिय अहादीस में इस बात का जिक्र है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा का निकाह छ साल की उम्र में हुआ और आपकी रुखसती सती नौ साल की उम्र में हुई उनमें से कुछ का करते चले आयशा रजी अल्लाह अहद कहती हैं कि नबी करीम ने मुझसे निकाह किया तो मेरी उम्र उस वक्त साल थी फिर जिस वक्त हम मदीना आए और बनी हारिस बिन अखरस के यहाँ ठेरे तो वहां मुझे बुखार हो गया तो उसकी वजह से मेरे बाल झड़ गए फिर जब कंगे तक लंबे हुए तो बाल मेरी वालिदा उम्मे रुमान मेरे पास आई तो उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी मेरी वालिदा ने मुझे आवाज देकर बुलाया मैं उनके पास आई मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे किस लिए बुलाया था मेरी वालिदा ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे पर पहुंच गई मेरी सांस उस वक्त फूली हुई थी जब मेरी सांस दुरुस्त हुई तो पानी से मेरा सर और चेहरा धोया फिर मुझे घर में ले गई तो वहां अंसार की कुछ औरतें पहले से मौजूद थी उन्होंने मेरे बारे में खैर के करीबात कहे और मेरी वालिदा ने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया उन औरतों ने मेरा बनाव सिंगार कर दिया चाश्त के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आए और मेरी वालिदा ने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया और मेरी उम्र उस वक्त नौ साल थी प्यारे दोस्तों इसी तरह हज़रते आयशा रज़ील्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अक़द में थी उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलती थी जब वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम घर में दाखिल होते थे मेरी सहेलियां छुप जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम उन्हें वापस बुलाते फिर वो मेरे साथ खेलने लगती इसी तरह अबू दाऊद की हदीस नंबर 4932 में हजरत आयशा रजील्लाहु तआला अनहा की रिवायत मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूक या खेबर से वापस तशरीफ लाए तो उनकी अलमारी का पर्दा हवा से हट गया जिसकी वजह से हजरत आयशा अन्हा की गुड्डिया नजर आने लगी तो आप वसल्लम ने फरमाया तो उन्होंने कहा यह मेरी गुड्डिया है इन्ही गुड्डियों में आप सल सल्हुस को कपड़ों का दो परों वाला घोड़ा भी नजर आया तो आप सल्लाह ने पूछा ये गुड्डियों के दरमियान क्या चीज

फिर फरमाया अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया और तुमने वहां जन्नत में सुर्ख याकूत से बने एक घोड़े की तमन्ना की जिसके दो बड़े बड़े पर हो और वो तुम्हें जन्नत में जहां चाहो लेकर उड़े तो अल्लाह ताला तुम्हारी ये जरूर पूरी कर देगा गालिबन इसी मकाम पर ऊंट का शोक रखने वाली सवाल किया कि ए के रसूल वा वा क्या जन्नत में ऊंट भी होंगे तो आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया तो वहां जो तुम जो चाहो होगा वही होगा अरबों में मारूफ है कि घोड़े तीन किस्म के हैं एक घोड़ा रहमान के लिए है एक घोड़ा शैतान के लिए और एक घोड़ा इंसान के लिए है रहमान का घोड़ा वो है जो आदमी जिहाद की नीयत से पाले और उसकी रहनुमाई करे इस घोड़े का पालना और उसे नेकियों में लिखा जाएगा शैतान का घोड़ा वो है जो जुआ खेलने और रेस में दौड़ा कर शर्तें लगाने के लिए दौड़ाता है जबकि इंसान का घोड़ा वो है जो उसे अपनी सवारी के लिए पालता करता है घोड़ों की तकरीम का हुक्म मुतद्द अहादिस में मिलता है आ हज़र सल् वसल्लम ने फरमाया घोड़े को पेशानी से पकड़कर मत खींचो क्योंकि ये उसकी तजलील है घोड़े की तकरीम करो और उसे बाइज़त रखो घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है अगर घोड़े से खिलाफ आदम या खिलाफ मामूल या खिलाफ तो हो तो उसकी सर्जिश की जाए और उसे टोका तो जाए रसूल अक्रम सम ने फरमाया घोड़े की मलामत करो और उसे टोको क्योंकि वो मलामत समझता है और डांटने से संभल जाता है और उनकी तरबियत करो एक हदीस में है घोड़े पर खर्च करने वाला ऐसा है जैसे अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो घोड़े पालने की तरगीब कुरान मजीद और अहादीसी मुबारक में मुतद मरतब आई के इर्शाद रब्बानी है उसने घोड़े खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वो बासे जीनत हैं प्यारे दोस्तों घोड़े के हवाले से गुजता दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पुरअसरार मखलूक आसमान से जमीन की तरफ उड़ती हुई देखी गई दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो भारतीय की, की तस्दीक किसी प्लेटफॉर्म से नहीं की गई इस बारे में आपकी क्या राय है क्या कहते हैं क्या आप जानते हैं कि ऐसा हो सकता है तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें और मजीद इसी तरह की रोज की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह These.